बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में चिकन रोस्ट की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि चिकन रोस्ट बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने 1.5 किलो जो है वो चिकन ले लिया है। लेग पीसेस भी हैं और दूसरे पीसेस भी इसके साथ हैं। इसके साथ जो हमें मसाले रिक्वायर होंगे वो है सुर्ख मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 3/4 टेबलस्पून जो है मैंने काली मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है, 2 चम्मच मैंने साबुत सूखा धनिया लिया है, 1 चम्मच जो है वो मैंने चाट मसाला लिया। आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 1 चुटकी जो है वो जर्दा रंग लिया है, कुकिंग ऑयल 3 टेबलस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून, रेड चिली सॉस जो है मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं ऑलमोस्ट, जो अदरक है मैंने 1 चम्मच भरकर ले लिया इसकी पेस्ट अदरक की, और इसके साथ जो आप ये देख रहे हैं ये लहसुन का पानी इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी तकरीबन 1 से 2 चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे। आप पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज जो मैं लहसुन का पानी इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए अब एक बॉल लेते हैं और बॉल में इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक मैंने खुले मुंह वाला बड़ा बॉल ले लिया है। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। आज जितना भी हम मसाला लगाएंगे वो इसी ऑयल में लगाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इस चिकन पर हम ये सिरका लगा देंगे। अच्छा, अब मैं सिरका इसके ऊपर डाल रही हूँ और इसको हाथ से अच्छे से मैं मिक्स करूंगी, लेकिन इसको मैं धोऊंगी नहीं, और ये ऑलरेडी धुला हुआ है। ये मैं बस इसको अच्छे से कर रही हूँ ताकि जो सिरका हमने लगाया है वो इसमें अच्छे से डिप हो जाए। चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब मैं इसको कर दूंगी साइड पर। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि मैंने ऑयल ले लिया है, और ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर ये मसाले डालेंगे, साबुत धनिया, काली मिर्च, नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, चाट मसाला, जर्दा रंग, चिली सॉस। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ अदरक का पेस्ट, और मैं इसी में थोड़ा सा अंदाजे से लहसुन का जो पानी है वो शामिल कर लूंगी। अब मैं इन सारी चीजों को जो है अच्छे से मिक्स कर लूंगी। चलिए, अब हमारे जितने मसाले थे वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी, चिकन को इसके अंदर मैरिनेट करूंगी। तो मैं एक एक करके पीस डालूंगी और इसको मैरिनेट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी तरह मैं सारे पीसेस डालकर इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। या आपने अच्छे से हाथों के साथ इसके अंदर मसाला लगा लेना है, ताकि इसके अंदर जो नमक है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, नमक मिर्च जो है। चलिए ये देखिए व्यूअर्स, मैंने जो मसाला था वो इसको लगा लिया है। अब मैं इसको 4 घंटे के लिए, मैक्सिमम 4 घंटे के लिए इसको इसी तरह छोड़ दूंगी, मसाला लगाकर फ्रिज में रखूंगी। 4 घंटे बाद हम इसको स्टीम करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, 4 घंटे हो चुके हैं, चिकन को मैरिनेट किया हुआ है। अब मैं इसको जो है स्टीम रोस्ट करने लगी हूँ। इसको कर देंगे साइड पे, और यहाँ लेंगे एक प्रेशर कुकर। आप चाहें तो ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर में करूंगी। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे हसबे जरूरत। अब मैं कुकर में थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ। ये देखिए, हमने ऑयल ले लिया। अब मैं इसके अंदर रख दूंगी जाली, और इसके ऊपर हम सारा गोश्त जो है अपना जोड़ेंगे। इसी तरह अब मैं सारे गोश्त को इसके अंदर जोड़ लूंगी, और फिर कुकर को ढक्कन लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे।
अब ये मैंने चिकन जो है इसके अंदर डाल लिया, अब मैं जो बचा हुआ मसाला है वो भी इसके ऊपर अच्छी तरह सारा डाल दूंगी। चले अब हम लगाएंगे कुकर को वेट। अब मैंने इनको वेट लगा दी है, अब मैं चूल्हे पर इसको रख दूंगी। जैसे ही दो सीटियां बोलेंगी हम कुकर के नीचे आंच को बंद कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है। जैसे ही 5-7 मिनट बाद इसकी 1 या 2 सीटियां होंगी हम चूल्हे को बंद कर देंगे और जो हमारा गोश्त है वो बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। ये देखें व्यूअर्स, हमने जो चूल्हा था वो ऑफ कर दिया है, इसके नीचे से बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका वेट खोलते हैं और वेट खोलने के बाद हम चेक करते हैं कि इसका कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रोस्ट होकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में सर्व करती हूँ। बहुत ही ज्यादा हमारा जो चिकन है वो सॉफ्ट और जूसी है, और लेकिन ये बहुत ही गर्म है, हमने आपको दिखाना है, इसलिए हम फटाफट इसको गरम गरम ही सर्व कर रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और हम इसको गरम गरम ही सर्व करेंगे। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, इसको घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।